नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं सोम जी, नमस्कार। जिनको कि आप बहुत पहले से जानते ही हैं, पिछले बहुत सारे वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है धन्यवाद फैमिली जी। चैनल पर जी। हाँ जी, आ रहे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो में आज फिर से शामिल किया, और काफ़ी अच्छा लगता है वीडियो सुना के आपके साथ। और अच्छा लगता है जब कुछ बातें हम लोग शेयर करते हैं आपस में, कुछ चीज़ें जो कि हमारे जो दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं हमारे माध्यम से शायद उन तक पहुंच जाती हैं। और कुछ इसी तरीके से आज भी कुछ सवालों का प्रश्न ढूंढता हुआ मैं आपके पास तक आया हूँ। तो जैसा कि मुझे पता है कि आप मुझे उस सवालों का उत्तर दे पाएंगे, तो बिल्कुल हम वीडियो में आगे उसी पे डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो आइए दोस्तों, अब जीवन जीना सीखें, बहुत उठाए दुख अब खुश रहना सीखें। इसी थॉट्स को लेकर के आगे बढ़ते हुए, इसी श्रृंखला में अपनों के साथ अपनी मन की कुछ बातें जो हम बहुत सी बार कह पाते हैं कभी नहीं कह पाते हैं, और कुछ सवालों के माध्यम से, कुछ इशारों से, अपनों से अपने मन की बातों में आप सभी का स्वागत है। तो बताइए सोम जी, आप आज की इस वीडियो में क्या जानना चाहते हैं और क्या अपने मन की बातें अपनों के साथ शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, काफ़ी अरसे से कुछ सवाल मेरे जहन में थे, जिनमें से एक प्रश्न आज मैं लेकर आया हूँ कि आज के इस दौर में, आज के इस युग में, जहाँ हर आदमी अपनी ज़रूरतों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है, दिन रात भाग दौड़ कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे आके वो आदमी भी सोचता है कि मैं अपनी लाइफ से कुछ संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ अभी तक अपने जीवन में उससे मुझे और मेरे परिवार को संतुष्टि नहीं मिल पा रही है। तो मेरा प्रश्न आज यही है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने जीवन में संतुष्ट हो सके अपने कार्यशैली से, या जिस भी प्रकार से वो चाहता है, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, तो वो संतुष्टि उसको कैसे मिले, कैसे उस संतुष्टि का अनुभव करे और वो खुद भी संतुष्ट रहे, साथ ही साथ अपने परिवारजनों को भी संतुष्ट रख सके। देखिए, जिस तरह से आपने चीज़ों को जानना चाहते हैं और पूछा है कि वो अपने आप को संतुष्ट रख सके और अपने परिवार को संतुष्ट रख जी सके, सर, तो यहाँ पे दो बड़ी बातें आ जाती हैं कि अपने आप को भी संतुष्ट रखना और परिवार को भी संतुष्ट रखना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि अपने आप को संतुष्ट कैसे रख सके, जो कि आज के समय में हर एक व्यक्ति की, यहाँ तक कि 5 से 10 साल का जो बच्चा है ना, जिसने अभी बहुत कुछ समझना शुरू ही किया है, जी वो भी आज बहुत सारी बातों को लेकर के संतुष्ट नहीं है। यहाँ तक कि हमने तो बहुत बड़ी एज बोल दी है, यहाँ तक कि जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी आज संतुष्ट नहीं है अगर उनको मोबाइल ना दिया जाए तो। और ये स्टार्टिंग की इस एज से लेकर के, अगर जिसने जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से को जी लिया है, आज जो 60+ हो चुके हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मान सम्मान की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह से उनके जीवन में कोई किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी कमी है, वह सबसे बड़ी कमी है संतुष्टि की। वो आज भी सब कुछ उनके पास होते हुए उनके पास संतुष्टि नहीं है, जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, धैर्य नहीं है। वो जो एक ठहराव होना चाहिए, वो आज जीवन खत्म होने को है लेकिन फिर भी वो ठहराव नहीं है। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बीत जाता है लेकिन उसको उठना, बैठना, बोलना नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें क्यों? क्योंकि जीवन में कहीं ना कहीं जीवन को मैनेज करना नहीं आया, बैलेंस करना नहीं आया, चीज़ों को समझना नहीं आया जिस तरह से चीज़ों को समझना चाहिए था। और आज का जो किसी भी उम्र का जो भी व्यक्ति है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसकी भी सबसे बड़ी समस्या का कारण यह है कि उसको कुछ चीज़ों को बैलेंस करना नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ों को समझना नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ों के महत्व को समझना नहीं आ रहा है। और सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता है यहाँ पर इस बात की है कि सचमुच में ये जो संतुष्टि है, ये जो सुख है, ये जो शांति है, चाहिए किसे? इसकी बात तो सभी करते हैं लेकिन भागते किसके पीछे है? पैसे के पीछे। तो क्या हमें पैसा चाहिए या फिर संतुष्टि चाहिए? और ये संतुष्टि हमें चाहिए या हमारी आत्मा को चाहिए? ये विषय किसका है? जैसे आंखों का विषय है देखना, आंखों को कोई भी चीज बस सुंदर होनी चाहिए,
उसकी गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है। गुणवत्ता से किसको मतलब है? हमें है कि कितने समय तक चलेगी, कितना लंबा चलेगी, कितना सुख देगी हमें या कितना दुख देगी। आंखों को क्या दिख रहा है? सिर्फ एक रूप दिख रहा है, एक रंग दिख रहा है, उसकी सुंदरता दिख रही है। ऐसे ही हमें आज इस संसार में सब कुछ दिखाई दे रहा है, पैसा 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 ही कह सकते हैं, क्योंकि पैसे से वो सारी चीजें चाहिए जो जिन की सबकी हम इच्छा रखते हैं संतुष्टि के नाम पे। क्या हमारी आत्मा को पैसा चाहिए? नहीं। आज आपने देखा होगा ऐसे ना जाने कितने ही लोग आपको आज मिल जाएंगे जिनके पास अपार धन संपदा है लेकिन सुखी नहीं है। तो ये सुख जो है ये किसका विषय है? क्या सुख आंखों का विषय है, कान का विषय है, या किस इंद्रिय का विषय है हमारा सुख? ये जो सुख विषय है ये हमारी आत्मा का विषय है। सुख रियल में चाहिए तो हमें हमारी आत्मा को सुख चाहिए। कहते हैं ना आत्मिक सुख मिल गया, इतना सुंदर दृश्य देखा कि आत्मा तृप्त हो गई, इतना अंदर इतना अच्छा भोजन खाया कि आत्मा तृप्त होगी, इतनी अच्छी इतनी मधुर वाणी उसने बोली, इतनी मीठी बात नहीं उसने बोली कि आत्मा में शांति पड़ गई। तो ये जो शांति है, जो सुख है, ये आत्मा के विषय है। सचमुच में जो ये संतुष्टि चाहिए ये हमारी आत्मा को चाहिए। हमारी आत्मा इसको अनुभव करती है। हमारी आत्मा में जब हम किसी चीज से संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारी आत्मा खुश हो जाती है, सुखी हो जाती है, शांत हो जाती है। इस बात को आज का व्यक्ति बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहता है कि हम जीवन में जिस भाग दौड़ में लगे हुए हैं वो सिर्फ ऐसे ही हैं जैसे नकली फूलों को हम असली फूल समझ रहे हैं और उनमें खुशबू ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हम इतना अंतर ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो नकली फूल हैं और उनसे खुशबू आना संभव नहीं है। तो सुख शांति कहाँ मिलेगी? सुख शांति इस धन में नहीं मिलने वाली है, इन सारी भौतिक वस्तुओं में नहीं मिलने वाली है। इन सुख साधनों जो हमने ये इकट्ठा कर रहे हैं रात दिन हम भाग भाग करके, आज ये गाड़ी कल वो गाड़ी, कल आज ये एड्रेस कल वो एड्रेस, आज इतना बड़ा घर कल उतना बड़ा घर, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें शांति नहीं दे सकती। हमारी इस जीवन यात्रा को थोड़ा सुखमय बना सकती हैं लेकिन फिर भी तब तक नहीं जब तक हमें आत्मिक शांति नहीं मिल जाती। और आत्मिक शांति आती कहाँ से? आत्मिक शांति आएगी चीज़ों को सही सही प्रकार समझने से। और सबसे पहले हमें समझना होगा, अपना आत्मिक चिंतन करना होगा, अपना आत्मा का परिचय जानना होगा कि ये आत्मा क्या है और क्या चाहती है, ये जो संतुष्टि है, जो सुख है, ये जो शांति है, ये कौन चाहता है। जब तक हम अपना आत्मिक परिचय नहीं लेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। जब तक हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना नहीं रखेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर सिर्फ मैं ही सुखी ना हूँ, मेरे अड़ोसी पड़ोसी भी सभी सुखी हों। और एक नियम भी आता है जीवन का नियम, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें अपने ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जब तक हम सबकी उन्नति में अपनी उन्नति नहीं समझेंगे तब तक संतुष्टि आने वाली नहीं है। इसके लिए हमें दैनिक स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें योग करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। जब तक हम ध्यान की अवस्था में नहीं जाएंगे, कहते हैं कि हमारा जो सबसे अच्छा और जो सबसे सच्चा मित्र है, जो हमें हमारी सारी गलतियां आराम से आकर के हमें बता देता है बिना किसी को बताए, वो और कोई नहीं है, वो हम अपने स्वयं के सच्चे साथी और सच्चे दुश्मन भी हैं। हम ही अपने आप को बर्बाद करते हैं और हम ही अपने आप को जो जैसा बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। बट समस्या सबसे बड़ी यहाँ पे एक है कि आज हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि आज हम थोड़ा सा समय निकाल करके अपने साथ भी बैठ पाए। आत्मचिंतन तो हम करना ही नहीं चाहते, ध्यान तो हम करना ही नहीं चाहते, समाधि की अवस्था में तो हम बैठना ही नहीं चाहते, पतंजलि के अष्टांग योग को तो हम जानना ही नहीं चाहते। तो एक नहीं बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसमें हमें स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, इसमें हमें अपना जो हमारा जो दैनिक दिनचर्या है उसमें, जब तक हम दैनिक दिनचर्या में जिस तरीके से हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जब तक हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने भोजन को नहीं सुधारेंगे, और भोजन भी कैसा? तीनों इंद्रियों का भोजन, सात्विक भोजन, और फिर हमारे जो दो पेट होते हैं उन दोनों पेटों का ध्यान रखते हुए। एक तो पेट हमारा ये है जो हम इस मुख से भोजन करते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है हमारा यहाँ से जो हम भोजन करते हैं, यहाँ से जो हम भोजन करते हैं और जो हमारे इस पेट के अंदर जाता है। कभी नहीं सुना होगा आपने कि यहाँ पर भी एक पेट होता है जिससे हमारे विचार बनते हैं। जब तक ये विचार हमारे शुद्ध और पवित्र नहीं होंगे तब तक हमारा
जो जीवन है वो किस प्रकार से अच्छा बन पाएगा, किस प्रकार से हमारे जीवन में संतुष्टि आ पाएगी, किस प्रकार से हमारे जीवन में आनंद आ पाएगा, असंभव है। जब तक हम अपने इस पेट का ध्यान नहीं रखेंगे, जब तक हम इन दोनों इंद्रियों के भोजन का ध्यान नहीं रखेंगे कि हमें अच्छा ही देखना है, अच्छा ही पढ़ना है और अच्छा ही सुनना है। ऐसे ही जी इन सारे नियमों को हम अपने जीवन में अपनाएं, देखें। और एक और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हमें इन सब बातों के साथ साथ में जो एक बात आज बहुत छोटी छोटी मगर मोटी बातों में से एक बात है कि आज हम धन्यवाद करना भूल गए हैं, इसलिए भी हम संतुष्ट नहीं होते। अगर हमें धन्यवाद करना आ जाए तो हमें पता चल जाए कि उस परमपिता परमेश्वर ने हमें कितना अमूल्य तन दिया है। आप लाखों करोड़ों खर्च करके भी इन ज्योति को वापस नहीं ला सकते। अगर किसी की परमानेंट चले जाए तो, किसी की परमानेंट सुनने की शक्ति चल जाए तो लाखों करोड़ों खर्च करके भी नहीं आ सकते। अगर किसी की ये सांसें रुक जाए तो फिर आप दुनिया का कितना भी धन दौलत ला दीजिए, ये सांसें वापस नहीं आ सकती। उसने कितना सुंदर ये शरीर, ये विचार, ये ज्ञान, सब कुछ कितना कितना सुंदर और कितना मूल्यवान हमें दिया है, लेकिन हम क्या धन्यवाद करते हैं उसका? कभी धन्यवाद नहीं करते। अगर हमें धन्यवाद करना आ जाए तो हम उसका धन्यवाद करें और इन सारी चीज़ों को, अमूल्य इस तन को पा करके हम संतुष्ट हो जाएं। हम जाने कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरा बार बार धन्यवाद। तूने हमें जड़ नहीं बनाया, तूने हमें पेड़ पौधे नहीं बनाया, तूने हमें पशु नहीं बनाया, तूने हमें पक्षी नहीं बनाया, तूने हमें मननशील मनुष्य बनाया है। और वेदों के अंदर एक प्रसंग भी आता है कि वेद हमें आज्ञा देते हैं कि हे मनुष्य, ये सिर्फ तन धारण कर लेने मात्र से तू मनुष्य नहीं है। वेद कहता है मनुर्भव है, मनुर्भव है मतलब मनुष्य बनो। तन तो मिल गया है, अभी सिर्फ एक शरीर बने हो, लेकिन मनुष्य कब बनोगे? जब मननशील बन जाओगे। कहते हैं ना कि इतना बड़ा हो गया लेकिन फिर भी जानवरों की तरह तेरी ये हरकतें नहीं सुधरने की। क्यों नहीं सुधरती उनकी हरकतें? कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि मननशील नहीं है। और चाहिए का मतलब अच्छी बात है, और होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा कब होना चाहिए? जब सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम कामना रखें। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, मैं तो अपना जो मेरा पास है ये भी कुछ भी मेरा नहीं है। जब ये हाँ ज्ञान हमें हो जाएगा तो हम में संतुष्टि आ जाएगी, हम संतुष्ट हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, कि मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ। नाम मेरा नहीं, नाम मेरे घर वालों ने दिया, शरीर मेरा नहीं, ईश्वर ने दिया, ये सांसें मेरी नहीं, ईश्वर ने दिया, पता नहीं कब वापस ले लिया, पता नहीं कब इस शरीर को वापस करना पड़ेगा। फिर भी हम भागते रहते हैं चीज़ों के पीछे, तो क्या होना आ जाएगा? संतुष्ट होना आ जाएगा जिस दिन हमें धन्यवाद करना आ जाएगा, जिस दिन हम सर्वे भवन्तु सुखिनः और दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, जी काफ़ी अच्छा आपने विस्तार पूर्वक समझाया इस विषय पर। इसमें एक छोटा सा और एक पॉइंट मैं पूछना चाहूँगा आपसे जी, कि जो आप बोल रहे हैं कि हम धन्यवाद नहीं करते हैं, या हमारी भावना जो है वो उस प्रति नहीं होती है जिस प्रति होनी चाहिए, जिसके प्रति होनी चाहिए, मेरा मतलब, या हम कहें कि मननशील हमारा चेतन नहीं है अभी आज का मनुष्य का। तो आज का जो मनुष्य है आर्य जी, अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है कि व्यक्ति के पास बहुत कुछ है लेकिन फिर भी उसको कहता है कुछ नहीं है, और एक व्यक्ति वो भी है जिसके पास कुछ नहीं है तब भी वो कहता है बहुत कुछ है। तो ये जो दो डिफरेंसेस हैं कि आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है या फिर कुछ भी ना होते हुए बहुत कुछ है, ये भावना आपके अंदर आती कहाँ से है? ये या तो आपके कह लो कि विचार बहुत अच्छे हैं उस समय, या फिर आपने मतलब अनुभूति कर ली है उस परमपिता ईश्वर की, अनुभूति कर ली है, या आपको पता है जीवन का सत्य क्या है? देखिए, अपने क्वेश्चन करते करते क्वेश्चन में ही
आपने खुद ही आंसर बता दिया। अब मैं इसे थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूँ। होता क्या है कि बहुत सी बार हम बहुत सारी नकली चीज़ों का ना नकली चीज़ों में सुख ढूंढना शुरू कर देते हैं। नकली चीज़ों में ही हम सोचने लग जाते हैं कि सचमुच में मेरे पास बड़ी गाड़ी आ गई, बड़ा घर हो गया, तो मेरे पास बहुत कुछ हो गया, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और एक फिल्म का बहुत सुंदर एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था, आज भी लोग बोल देते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है, वो कहते हैं मेरे पास माँ है। और वो ये बोलने के बाद में वो जिसके पास बंगला वगैरह थे वो अपने आप को बहुत छोटा सा महसूस करता है। ये आज भी अगर कहीं इस कहावत को बोला जाता है तो इसीलिए बोला जाता है कि देख तेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है, माँ है। क्योंकि चीज़ों की ना कीमत को समझा जाता है, चीज़ों की गिनती को नहीं समझा जाता। सपोज अगर आपके पास टनों लोहा है लेकिन उसकी कीमत किलो के भाव का जो सोना आपके पास है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। वेट में बहुत कम है सोना लेकिन गुणों में बहुत ज़्यादा है। तो कुछ चीज़ों की कीमत को हमें समझना पड़ता है। जैसे किसी ने बहुत सारे कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर लिए और उसने कहा कि मेरे पास देखो कितने कंकड़ पत्थर हैं, तो वो ये जानता नहीं है कि एक छोटा सा पत्थर जिसको आज हम हीरा कहते हैं वो इतने सारे टनों कंकड़ पत्थर उसके पासन मात्र भी नहीं है। तो जब जीवन के सच्चे मूल्य को कोई व्यक्ति समझ लेता है कि जीवन का जो हमें ये मनुष्य जीवन मिला है मोक्ष प्राप्ति के लिए, उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, जो कि और किसी भी 84 लाख योनियों में से और किसी भी दूसरी योनि में संभव नहीं है, जब इस सत्य को जान लेता है कि ये मनुष्य जीवन हमें 84 लाख योनियों से बाहर निकलने के लिए मिला है, इस जीवन चक्र से, इस दुखों के चक्र से मुक्ति के लिए मिला है, और वो रास्ता कौन सा है, वो रास्ता है ध्यान योग आसन प्राणायाम का, वो रास्ता है ईश्वर भक्ति का, वो रास्ता है चिंतन मनन का, और वो रास्ता है उस परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाने का अपना आत्मचिंतन करते हुए। तो जब जब व्यक्ति को इन सारी बातों का ज्ञान हो जाता है फिर वो बेकार के इन सारे सांसारिक वस्तुओं को कुछ नहीं समझता सिवाय दुख और भोग के साधन के। उसको पता चल जाता है असली हीरा तो वह परमपिता परमेश्वर की भक्ति ही है, ध्यान है, उपासना है। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा आपने, काफ़ी हद तक मैं सहमत भी हूँ, इनफैक्ट पूरी हद तक मैं सहमत हूँ आपके विचारों से। धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा, कामना करूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे वो ज़रूर इस पर विचार करें, और आपके अगर कोई अलग विचार हो, हमसे हटकर भी हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे, तो मैं यही विनती करूँगा आपसे कि अपने विचारों को प्रकट करें, जिससे कि अगर कुछ हम मिस कर रहे हों इस वीडियो के माध्यम से तो वो भी आम जनता तक पहुंच सके। विचार सबके होते हैं, हो सकता है आपके विचार हमसे भी अच्छे हों, या हो सकता है कि कुछ नया निकल कर आए उस विचारों से। तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए कमेंट बॉक्स में, सेक्शन में, और बताइए अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद जी। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना और सभी से यही प्रेम कि आइए दोस्तों आप इस जीवन को सचमुच में जीना सीखें। अभी तक बहुत उठाए दुख और खुश रहना सीखें। एक बार फिर मिलते हैं एक और नई विचारधारा के साथ, एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए डिस्कस के साथ, कुछ नई खोज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभरात्रि।